You are watching Poonch Live. बहुत प्रॉफिटेबल लेवल पे हनी प्रोडक्शन भी हो रहा है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें जिनका जिक्र ये स्पेशलिस्ट साहब ने किया था, हनी ये क्वीन जेली और पोलन, ये जैसी चीज़ें भी प्रोड्यूस हो रही हैं जो बाहर मार्केट में बहुत अच्छे दाम पे मिल रही है। देखें, जो आप सोचेंगे एक किलो शहद अगर डाबर का 200 रुपये में मिल रहा है तो फिर मैं क्या ही कमा लूँगा। मेरा नाम खदीजा बानो है, मैं 5th सेमेस्टर से हूँ और हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुणे से आए हैं। आज हम यहाँ पे एक सेमिनार अटेंड करने आए हैं जो ऑर्गेनाइज कराया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ऑन बी कीपिंग, और इससे जो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, हम कैसे जो हनी बीज हैं उनको उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे अलग अलग तरह के हमें यहाँ पे स्टॉल दिखाए जिसके ऊपर हनी रखी हुई है, और बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और हम बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से आए हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिला है। हमने यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की हनी बीज देखी, और यहाँ पे इन्होंने हनी प्रोडक्शन भी दिखाई है जो यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट की हुई है। हमने बहुत सारे फार्मर्स के जो एक्सपीरियंसेस, वेल क्वालिफाइड फार्मर जो हैं उनके एक्सपीरियंसेस हमने सुने, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और हेल्पफुल लगे। हम अपने घर पर भी ये चीज़ें प्रोडक्ट कर सकते हैं और इससे हमारी जो बेरोज़गारी है वो दूर हो जाएगी। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शाह है, ऐसे मुझे मोहम्मद शाह भी कहते हैं, हाफिज़ भी कहते हैं। मैं मंदार से ताल्लुक़ रखता हूं, मंदार जो पंचायत है वो नगाई साहब बाबा मीरा जी के ब्लाक जो है उसकी एक दूर दराज बाड़े एरिए पर पंचायत है। 2017 से मैं बी कीपिंग के अंदर काम कर रहा हूं, तो बी कीपिंग एक बहुत ही अहम ज़रूरत है, और मैं ये कहूँगा कि जानदार की बका मधुमक्खी की हया के अंदर मुजमिर है। जानदार की बका मधुमक्खी की हया के अंदर मुजमिर है, यानी छुपी हुई है। अगर ये मधुमक्खी ना हो, मेरा कहना यह है, गुरु ग्रंथ और कुरान पाक जितने भी वेद हैं उसके अंदर इसका जिक्र आया है। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब ने और इनके मुतलका मुलाजमीन ने यह प्रोग्राम रखा हुआ है, इसी प्रोग्राम के अंदर मैं मोहम्मद शाह भी आया हूँ, मेरे साथ एक लेडीज़ भी हैं, मेरी मिसिस जो वो भी कीपिंग करते हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, कि किस तरीके से जिम्मेदार जो है अपनी चीज़ की जो प्रोडक्शन तैयार की है वो आम के सामने रख सके। एक तो वक्त की मांग भी है कि हर एक आदमी कुछ मेहनत करे, कुछ करने का वक्त है। यहाँ मैं एक बात और भी ऐड करूँगा, हर एक आदमी कुछ काम अपनी मजबूरी समझ करता है और खुशी के साथ करता है। एक ख्वाहिश होती है, एक खुशी होती है, एक मजबूरी होती है। मैं हाफिज़ मोहम्मद शाह की खुशी भी है और मजबूरी भी है। मैंने भी बहुत सारे उतार और चढ़ाव देखे हैं, मगर जो मज़ा मुझे बी कीपिंग के अंदर आया वो किसी जगह पर नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राकेश साहब हैं, डीओ साहब हैं, एडीओ साहब हैं, छोटे मुलाजम हैं, इन्होंने बहुत सारा हमारा साथ दिया है। यहाँ तक कि मैं अपने जो इसको फार्म को माइग्रेशन करके जाता हूँ तब भी मुझे फ़ोन करके वक्तन फवक्त पूछते रहते हैं। जब शुरू में आप पूछते थे, शुरू में मैंने काम शुरू किया, कोई भी काम शुरू करोगे तो उसके अंदर मालूमात का होना, ट्रेनिंग का होना, इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। इस उतार और चढ़ाव के अंदर मेरा काफ़ी सारा नुकसान होता रहा, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि आज के दिन के अंदर हाफिज़ मोहम्मद शाह खुद बजाते खुद एक अच्छे मुलाजम की तनख्वाह जो है वो साल के अंदर अगर सीज़न लगे कमा सकता है। और हाफिज़ मोहम्मद शाह के अंदर इतनी सकत है, वो जितने बच्ची और बच्चे हैं वो उनको रोज़गार भी दे सकता है। मेरे पीछे बाबा वीरा जी हनी फार्म का एक फ्लैक्स लगा हुआ है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो है लाइसेंस बना हुआ है, और 27 किस्म की जो हाफिज़ मोहम्मद शाह जो है इससे खाली हनी से जो चीज़ें तैयार होती है वो कर सकता है, जिसकी सर्टिफिकेट मौजूद है। आने वाले समय में इंशाल्लाह वो दूर दूर नहीं है, हमारा एपिकल्चर
डिस्ट्रिक्ट पुरुष के अंदर जो है इनका साथ जिस तरीके से बी कीपिंग के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये जुड़ा रहा तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर जो है बाबा मीरा जो हनी फार्म इनकी दुआओं से इंशाल्लाह अच्छा नाम कमाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कीमती अगर चीज़ है वो जम्मू कश्मीर का हनी है, जिसके लिए हम तगोदो कर रहे हैं। हाँ, आज का जो एपिकल्चर पे हमारा सेमिनार 2 दिन का है, जो वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन सर ने इनाग्रेट किया, लगभग 200 हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप की फीमेल्स, मेल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो अभी बैठे हुए हैं, फंक्शन चल रहा है, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। मेन टारगेट इसका अवेयरनेस कैंप देना है, इसका अवेयरनेस देनी है फार्मर्स को, ताकि इसको जो प्रमोट करें इसको एपीकल्चर को, जो एक स्वीट रेवोल्यूशन जो इसका मेन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो है कि स्वीट रेवोल्यूशन लाना है। तो 2020 में जो स्कीम लॉन्च हुई थी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन प्रोग्राम, तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर, उसमें इसको जो सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो हमारी स्टेट में जो 23-24 में इसका स्टार्ट किया गया और काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स में इंटरेस्ट दिख रहा है, इसलिए उनको इधर इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं आई। 23 रजिस्टर्ड है, उनके साथ साथ हमारी 20 एप्लीकेशन और आ गई, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल हम 100 क्रॉस कर लेंगे।